गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी मैं जा रहा हूँ शोरूम और वहाँ पे मैं एक मिनी एसयूवी की टेस्ट ड्राइव लेने वाला हूँ। एंड आई हैव रीच्ड द शोरूम और ये सब टेस्ट ड्राइव की गाड़ियाँ हैं। ये थार, ये XUV 300। I've come to take test drive of XUV 300. I am waiting here for the test drive. और थोड़ा सा बारिश भी हो रहा है बाहर और अभी रुकी है। और यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है। आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स XUV 700, अभी तक वो आई नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ XUV 500। और ये एक्वामरीन कलर है XUV 300 में, जो कि बहुत अच्छी लग रही है ये। और इसके ऊपर डिस्काउंट है। Now I am going to drive this petrol version. This is top end W8 optional variant with sunroof and all other features. ये सीट बेल्ट का आ रहा है ना? सीट बेल्ट आपका आ रहा है, चलेगा। ये क्या प्राइस है? ऑप्शनल ऑप्शनल नहीं, जस्ट W8 वाला। हाँ, सादा वाला कितना है? W8। भर रहा है, बहुत पावरफुल है गाड़ी। मैं इसलिए आपको क्या बोला, आप आके खाली चला के जाओ करके। हाँ, डीजल का ऐसे ही है सेम, या फिर वो थोड़ा सा वाइब्रेशन रहेगा? वाइब्रेशन रहेगा, थोड़ा रहेगा ना करके। W8 जो है ना नॉर्मल वाला, वो अपने को कुछ जाएगा 1284 तक जाएगा। और इसका जो W4 है वो W4 इसका 9.5। हाँ, अभी थोड़ा और आगे लूँ क्या? ले लो। अरे सर, उसका टेंशन मत ले लो, आगे ले लो बेशक। सर ये बचते ही रहेगा। तो मैं पहन लूँ क्या? नहीं, अभी रुको। 2 मिनट 3 मिनट बचता है वो। अच्छा, फिर ठीक हो जाता है। बिकॉज मैनी आई सॉ मैनी पीपल जो ये बोलो चला है ना, उनको ये उससे ज़्यादा अच्छा लगा ये। हाँ, दैट काइंड ऑफ फील। नहीं, अभी देखो थोड़ा भी ट्रैफिक ऐसे नॉट राइट वे टू दिस थिंग, राइट टाइम टू ड्राइव है। पूरा खाली रहेगा ना, हाँ, देन यू कैन टेस्ट प्रॉपर्ली। इमीडिएटली फट करके उठता है वो। एंड मेन थिंग इज सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है। 7 एयरबैग। बट उसमें कैसा है ना, आप W4 में भी जाते हो ना, हाँ देखो एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, 2 एयरबैग, ABS, EBD, म्यूजिक सिस्टम तो है ही नहीं उसमें। और मैं इधर से अच्छा वाला डाला के लेके कहाँ से, लेफ्ट साइड में क्या बोल? हाँ, सीधा जाओ। यहाँ पर ना ये टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है जू सर्कल पे। पुर के गली में लेना सर। कहाँ पे, लेफ्ट साइड में? हाँ। यहाँ पे थोड़ा सा खाली मिले ले लो। कौन सा गाड़ी है भाई? वो ये है ना, ये फोर्ड मुस्टैंग। जो एवरेज क्या रहेगा इसका? हाँ, कम रहेगा। अभी मैंने इधर क्यों लिया? यू विल एटलीस्ट फील। यस। डीजल में थोड़ा वाइब्रेशन होगा ना, बस थोड़ा रहेगा सर, आप बाकी कुछ नहीं। हाँ, बिकॉज आई डोंट हैव कार राइड, दिस थिंग है ही नहीं करके। लेफ्ट लो, लेफ्ट ले लो। सेकेंड गियर में भी अच्छा पुल है इसका। अभी देखो, दिस इज समथिंग फ्री रोड भी है। आप अभी पिकअप मार के देखो। सी इसमें आप स्ट्रेट लो। हाँ, सी ऐसा कुछ ये रहेगा तो 6 में जाओ। मेरा कहने का मतलब था ठीक है, 6 में ये सब मिलेगा। ये सब स्टीयरिंग कंट्रोल ये वाला आएगा, वो उधर का नहीं आएगा। अच्छा, ये नहीं मिलेगा इसमें? हाँ, इसमें क्रूज है ना। हाँ, क्रूज कंट्रोल में क्या ना, माइलेज भी अच्छा मिलता है लॉन्ग रन में। तो 8 में? हाँ, वो 8 में है खाली। रिव्यू इसका बहुत अच्छा है इसका ना। हाँ, अभी ये स्कॉर्पियो भी अच्छा है, बट देन सिटी के लिए उतना मतलब स्पेस लेता है ना वो। कौन सा? स्कॉर्पियो, राइट। हाँ, तो गाइस ये गाड़ी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही टॉर्की और बहुत ही पावरफुल है। और सेफ्टी में भी ये गाड़ी इंडिया की नंबर 1 गाड़ी है, 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। तो इसके लिए मैं ये गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ और मुझे ये गाड़ी चला के बहुत ही मज़ा आया। वैसे तो मैं डीज़ल की सोच रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करूँगा। ये W8 ऑप्शनल पेट्रोल है और इसमें सब क्रूज़ कंट्रोल सब मिलता है। और मैं डीज़ल लेने की सोच रहा हूँ और डीज़ल थोड़ा महंगा है और डीज़ल का पावर भी इससे ज़्यादा है इन BHP। और आई एम जस्ट थिंकिंग वेदर टू गो फॉर W8 और W6। इसमें सनरूफ भी है, W6 डीज़ल में सनरूफ भी है, बट आई एम नॉट सुपीन टू गो फॉर सनरूफ। और यहाँ पर ये भी नहीं मिलेगा W4 डीज़ल में, खाली रहेगा। वहाँ पर वी हैव टू ऐड एक्स्ट्रा एक्सेसरीज और एक्सेसरीज यहीं से लगवाना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं। और यहाँ पर ये बैक सीट में स्पेस दिखा रहा हूँ और अब देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ही कंफर्टेबली 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं और लेग स्पेस बहुत ही अच्छा है। Guys, that's it for now, and do comment, tell me which one do you think is the best model, and do subscribe to this channel, and you guys take care.